कहा कि आप लोग हमेशा एक सुरत सही या गलत पर हमने ये सवाल बहुत पहले भी अभी जो पूछ रहे हैं वही सवाल पूछ रहे हैं। आपने कहा, आपने ये भी कही ना आपने पहले भी क्या कह रहे थे, उनको भी तो इसमें दोहराइए ना। जब जब आप अहिंसा का आपका कहने का मतलब था कि पहले भी जब इस तरह की बातें हुई थी एनडीए में और हमसे पूछा गया था तो हमने हमेशा कहा कि हम डिफेंडिंग फोर्स हैं और हम एनडीए को जो एनडीए हमारा इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। आज भी हम कहते हैं कि एनडीए हमारा है, एनडीए इंटैक्ट कह देते हैं कि है और एनडीए इंटैक्ट कह देते हैं कि रहेगा। कोई बात नहीं है, हमने कहा ना कि ये सब चीज देखिए सबसे बड़ी बात है कि दिल जब मिलता है तो क्या कहते हैं दल भी मिलता होता है। आज मान लेते हैं कि सब दल के प्रयास से हमारा सब एमपी जीता है तो फिर रामविलास पासवान के प्रयास से होता है, उसमें नीतीश जी का हाथ नहीं है क्या, उसमें भाजपा का हाथ नहीं किया है क्या, ये सारा चीज है अपना जैसा देखिए हो जाएगा सब चीज़। देखिए सबसे बड़ी बात है मैंने कहा कि अभी पूछ रही है जो हमने कल जो है हमने सुन रहे थे पार्टी के प्रेसिडेंट पशुपति कुमार पारस का सुन रहे थे कि भाई सेंटर का एक अलग है राजनीति, स्टेट का कहना है कि अलग है राजनीति, अब स्टेट में स्टेट के प्रेसिडेंट वगैरह हैं सब कुछ है, आपको मालूम है कि कहना हमको नहीं चाहिए। पिछली बार जब हम लोग गए थे तो हम लोग कभी नहीं गए थे कि आप क्या कहते हैं हमारे भाई को जो है पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाएंगे, ये नीतीश जी का स्वयं का सुझाव था। जब हम लोग क्या कहते हैं कि पार्टी में दूसरे जो हमारे एमएलए हैं हम लोग चाहते थे कि उन्हीं को बनावे, जब हमने नाम कहा कि इनमें से बनाइए तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 रामलाल जी ये नहीं चलेगा, पारस क्या कहते हैं कि जो है सबसे पारस जी सबसे पुराने हैं, हम लोग जब बने थे एनडीए में तीन मंत्री बने थे उसमें था पारस जी, क्या कहते हैं कि पारस जी बनेंगे, हम सोचे भी नहीं थे कभी समझ लेंगे उत्तर दिए, तो इसलिए हमने कहा कि उसको जो है हम जब उस समय हमने सोचे थे पारस भी साथ में थे, चिराग भी थे, रामचंद्र भी थे, उन्होंने अपने से क्या कहा, इसलिए हम लोग हैं एक हमारा नीतीश जी है बीजेपी है हम लोग एक परिवार के हैं। अब एक छोटी सी बात एक छोटी सी बात को लेकर के कोई भी चीज हो और तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाना, हम कुछ नहीं मानते हैं पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। देखिए आप छोड़ दीजिए एनडीए का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पार्टी रहे या नहीं रहे पार्टी का प्रतिनिधित्व हो या नहीं हो खत्म। ये रामलाल जी जिस तरह से आप कहते हैं कि आप सीमेंट के तौर पर काम करते हैं एनडीए में, तो वैसी स्थिति में क्या नीतीश जी को आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मनाएंगे? नीतीश जी सर इसके लिए सक्षम है, उनको मनाएंगे क्या हम है? नीतीश जी सब कुछ सक्षम है, समझते हैं सारा चीज है। नीतीश जी जिस दिन कहेंगे कि एनडीए में हम क्या कहते हैं कि नहीं है और क्या कहते हैं कि हम अब कुछ कदम जो है कहते हैं तब न कहा बात होगी ना। जब नीतीश जी अपने कह रहे हैं कि हम हैं मंत्रिमंडल का मामला है अपने जगह पर है तो होगा सबका होगा। आप खुद ही बोल रहे हैं कि सबके चेहरे पर वोट मिला है, तो नीतीश जी के चेहरे पर बिहार में वोट मिला है वो मंत्रिमंडल में शामिल। नीतीश जी एनडीए के नेता हैं और एनडीए के नेता रहेंगे, खत्म हो गया। आप इसके बाद कुछ हमारे मुंह से कहवाना चाहिएगा बोलते रहिए, उसको तो कुछ निकलने वाला है। आज आपकी जो मुलाकात, चलिए राहुल गांधी ने आज आपकी मुलाकात हुई, अरे मुलाकात कहाँ हुई है, मुलाकात हुई हम कहते मुलाकात हुई।